जी डॉक्टर बिल्किस, आप अभी बता रही थी ये जो स्ट्रेस के वजह से जो चक्कर वगैरह लोगों को आते हैं, डॉक्टर बिल्किस गर्मी से भी तो बहुत ज्यादा लोगों को स्ट्रोक्स होते हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है उससे। नहीं वो तो बिल्कुल एक अलग चीज है कि गर्मी लेकिन, से लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आप स्ट्रेस की बात कर रही हैं, क्या ये जो टेम्परेचर राइज करता है इससे भी आपका स्ट्रेस? नहीं नहीं वो वाला चक्कर आना ना, देखिए फिर उसमें ये होता है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं है ना, चक्कर में भी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं होते। अच्छा आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी पड़ रही है, तो आप लोग एहतियात करें घर से निकलने से पहले। सबसे पहले तो शॉपिंग के लिए आप धूप में ना जाएं और बच्चों को साथ नहीं लेके जाएं। बच्चों को गाड़ी में छोड़कर आप लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और धूप में गाड़ी खड़ी हुई थी तो आप नुकसान उठा सकते हैं। टैंक जो है ना वो पूरा फ्यूल जो है ना टैंक फुल ना करें गाड़ियों की, कराची वालों के लिए बात करी। और चक्कर आने के लिए और जिस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फालसे का शरबत बहुत अच्छा है, नहीं तो नींबू पानी बना के साथ रखें। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही हो और आपको लगे कि आपको चक्कर आ रहा है, तो ये वाली जो जगह होती है गुद्दी पे आप ठंडा पानी जो है ना डालें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये सर पर आप छोटे टावल अपने साथ रखें, गीला करके रखें। ये मैं अपने मज़दूर भाइयों के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि ये सारी एहतियात करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। हीट स्ट्रोक होने के बाद आपकी बॉडी को कितना नुकसान होता है, फिर वो और अल्लाह ना करे अगर हीट स्ट्रोक वो जो एक का चंद साल पहले आया था और उसमें एक चीज़ ये थी कि एम्बुलेंस में डाल रहे थे और वो भी जो एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो उस वो भी लोहे की बनी हुई उस पर उनको सुला रहे थे। ऐसा नहीं कीजिए, किसी कोई आपको लगे किसी को चक्कर आए बेहोश हो गया तो उसको ठंडी जगह पर ले जाए, बहुत सारे जुमगट्टा ना बनाए, उसको आराम से लिटाएं, उसको मतलब तंग कपड़े ना पहने वे और जो है ना बहुत ज़्यादा शार्प कलर के कपड़े ना पहने। गर्मियों में आपने लाइट कलर के कपड़े पहने और ढीले डाले कपड़े पहने, लॉन के कपड़े पहने। ये छोटी छोटी एहतियातें, क्योंकि हीट स्ट्रोक होने के बाद सीधा इमरजेंसी हॉस्पिटल है और हीट स्ट्रोक होने का मतलब है कि आपके बॉडी के बहुत सारे अज़ा जो है उनको नुकसान पहुँच चुका है। ठीक है, जब भी आप बेहोश हुए, जब भी बेहोश हुए जी, तो डॉक्टर बिल्किस वो रिवर्सिबल होता है जब उसको सही हो जाता है तो क्या जो नुकसान हुआ था वो कवर हो जाता है बाद में? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ छोड़ जाता है वो, छोड़ जाता है। हाँ रिवर्स हो जाता है अगर आपके ब्रेन को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा हो तो। नहीं तो इसीलिए कहते हैं ना कि इसकी एहतियात ज़रूरी है, लाजमी एहतियात है। होने के बाद बॉडी को कितना नुकसान हुआ वो फिर एक अलग कहानी है। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इसमें है काहू के बीज, ये जंगली ज़ीरा होता है, ठीक है। काहू के बीज आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, सारी चीज़ें सब चीज़ें मिक्स कर लें तो भी अच्छा है। अगर आप चाहें तो काहू के बीज भी आप ले सकते हैं। आपने लेना है खोपरा, बादाम, काहू के बीज, सफ़ेद तिल, इसमें आप चाहें तो मिश्री मिला सकते हैं, नहीं तो आप उसको मतलब शुगर पेशेंट मिश्री नहीं खाना चाहें तो ना खाएं। ये चारों चीज़ें पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद एक चम्मच एक कप गरम दूध के साथ सुबह शाम लेना शुरू कर दें। दिमागी कमज़ोरी, एंजाइटी, स्ट्रेस, चक्कर आना सबके लिए बहुत ही बेहतरीन है। कुछ लोग कहेंगे कि हम ये इतने अफोर्ड नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, तो ये आप सब ख़त्म कर दें। आप सिर्फ काहू के बीज जो है इसका कहवा बना के पीना शुरू करें और आपने कितना एक चुटकी लेना है इतना 1/4 teaspoon दिन में दो बार इसका कहवा बना के पिएं, तो ये आपको जितना अभी आपने बात की है उन सब से बचाने में कुछ आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि आपके असाब मजबूत होंगे तो आपको इतना खौफ नहीं रहेगा, अगर इतना खौफ नहीं रहेगा तो इतने ट्रॉमा में नहीं जाएंगे, इतने एंजाइटी नहीं होगी।